जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपके जो ट्रेनिंग के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, फर्स्ट पोस्टिंग कैसे होती है और क्या फर्स्ट पोस्टिंग आप अपनी चॉइस मनपसंद से ले सकते हो। तो ये पूरा वीडियो उसी के बारे में दोस्तों। इससे पहले कि हर वीडियो के बारे में, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे कमेंट बॉक्स में सैलरी से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, पहले आप जाके देख लीजिए, नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसमें जाके आप देख सकते हो कि आपको ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद में सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों। तो ये वीडियो है कि आपको ट्रेनिंग के बाद में कब पता चलेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और कौन से शहर में होगी, कौन सी जगह होगी और क्या वो आप अपनी मनपसंद से ले सकते हो। तो दोस्तों बता दूँ कि जो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो आप उसका पता आपको चल जाएगा आपकी ट्रेनिंग के 36वें 37वें वीक में आते आते आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कौन से शहर में हो रही है या कौन सी यूनिट में हो रही है, कौन सी बटालियन में हो रही है। 36वें 37वें वीक के बाद में आपकी जो पे स्लिप आएगी उसमें आपकी यूनिट का नाम आ जाएगा, जैसे 192, 193 या 34 जो भी आपकी यूनिट मिलेगी आपको डिपार्टमेंट से उसका पे स्लिप में नंबर आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हो रही है। वो किस आधार पे होती है, कईयों का ये क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट पोस्टिंग किस आधार पे होती है, क्या ट्रेनिंग के नंबरों के आधार पे होती है, क्या ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के आधार पे होती है। तो नहीं दोस्तों, ट्रेनिंग के नंबरों के आधार पे या ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी फर्स्ट पोस्टिंग नहीं होती है। आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे इस भर्ती में, जैसे CRPF में अगर मान लो 20,000 जवान लिए हैं तो उन 20,000 जवान की कहाँ डिमांड है, सिपाहियों की कौन सी यूनिट में कितनी डिमांड है, उस पर फिर डिवाइड कर देते हैं कि भाई यहाँ इतने इतने जाएंगे। तो उसमें आपके ट्रेनिंग परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। जिनकी जैसे एक स्क्वाड हो गया या पूरी एक कंपनी हो गया, ऐसे बटालियन में भेज देते हैं दोस्तों। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपकी ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस या आपके रिटर्न मार्क्स के नंबर के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब कई भाई जो ये भी पूछते हैं कि सर क्या शुरुआत में हार्ड एरिया दे देते हैं, क्या शुरुआत में इजी एरिया दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको इजी एरिया भी मिल सकता है और हार्ड एरिया भी मिल सकता है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करोगे तो कम से कम 800 बंदे ट्रेनिंग, 800 या 1000 बंदे एक साथ ट्रेनिंग करोगे। जब 800 रिक्रूटमेंट एक जगह ट्रेनिंग करें तो सभी को एक जगह तो पोस्टिंग दे नहीं सकते। और ऐसा है नहीं कि केवल पीस एरिया में पोस्ट खाली है और हार्ड एरिया में नहीं है। तो कईयों का मतलब पीस एरिया में आ सकता है, कईयों के हार्ड एरिया में। लेकिन हाँ, आप जब ट्रेनिंग करोगे तो आपके जो साथ वाला ग्रुप रहेगा, जैसे एक स्क्वाड में 20 बंदे रहेगी, तो उसका चांस रहता है कि उसका पूरे का एक जगह पोस्टिंग हो, ताकि इससे आपका धीरे धीरे आदत उनके साथ बनी रहती है तो अच्छा टाइम निकल जाता है साथ में। तो हार्ड एरिया या पीस एरिया ऐसा कुछ नहीं है। साथ में कईयों ने ये पूछा कि सर ज्वाइनिंग करते ही क्या हम फैमिली रख सकते हैं ट्रेनिंग के बाद में। तो दोस्तों रख सकते हो, ट्रेनिंग करते ही आप अगर आपकी अगर ड्यूटी ऐसे शहर में या ऐसी जगह है जहाँ पीस एरिया है, जहाँ पर फैमिली क्वार्टर बने हुए हैं, जहाँ फैमिली रखने की अदर्स जो और भी आपसे पुराने जो जवान हैं फौजी भाई हैं उनको अगर परमिशन है तो आपको भी परमिशन मिल जाएगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब आप नहीं हो तो फैमिली नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे नया पुराना कोई भी हो, अगर फैमिली रखने की वहाँ व्यवस्था है और परमिशन है तो आपको भी परमिशन मिल जाएगी, आप भी शुरुआत से अपनी फैमिली साथ रख सकते हो। अब कई दोस्तों का क्वेश्चन रहता है कि सर फिर चॉइस पोस्टिंग कैसे मिलती है, ट्रेनिंग आधार पर क्या ट्रेनिंग के बाद चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है। तो दोस्तों शुरुआत में आपको चॉइस पोस्टिंग मिलने का चांस बहुत कम रहता है, यानी ना के बराबर रहता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आपको चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि चॉइस पोस्टिंग आप मान लो आप अपने शहर के पास में लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आपको चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको चॉइस पोस्टिंग कम से कम 6 साल हार्ड एरिया में ड्यूटी, मतलब कोर एरिया होता है जो हार्ड एरिया होता है उसमें अगर आप 6 साल कंटिन्यू ड्यूटी करते हो, जैसे कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या उड़ीसा के कई हिस्से हैं, झारखंड के कई हिस्से हैं या और भी जो हार्ड एरिया जैसे जम्मू का भी कुछ हिस्सा है, तो अगर इनमें आप 6 साल लगातार सर्विस करते हो हार्ड एरिया में, आपकी लगातार 2 पोस्टिंग यानी हार्ड एरिया में रही, तो उसके बाद में आपको चॉइस दी जाती है, चॉइस पोस्टिंग मांगने की आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांस रहता है कि आपको चॉइस पोस्टिंग मिल जाए। और चॉइस पोस्टिंग तब मिलती है जैसे आप जैसे राजस्थान से हो, तो अगर आपके आसपास में कोई बड़ा जिस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा जैसे ट्रेनिंग सेंटर या GC मतलब ग्रुप सेंटर या कोई यूनिट है, तो आपका काफ़ी चांस बनता है कि आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है। अगर वहाँ पर यूनिट ही नहीं है, वहाँ पर अगर कुछ है ही नहीं, ग्रुप सेंटर भी नहीं है, तो उस एरिया में आपको फिर पोस्टिंग नहीं मिलती है। वहाँ यूनिट या ग्रुप सेंटर अगर है तो आपको पोस्टिंग मिलने के चांस रहते हैं। तो ये सवाल है कि अगर कम से कम आप 6 साल
अगर कोर एरिया में ड्यूटी कर लेते हो 5 से 6 साल, तो आपको चॉइस पोस्टिंग फिर बाद में मिलने का, यानी 3 से 4 साल आपकी चॉइस पोस्टिंग मिलने का चांस रहता है दोस्तों। या जैसे CRPF में, तो अगर कोबरा में आप 6 साल सर्विस करते हो, 5 या 6 साल अगर कोबरा में सर्विस करते हो, तो उसके बाद में आपको एक चॉइस पोस्टिंग का मौका मिलता है, जिसे आप अपनी मनपसंद की जैसे चॉइस पोस्टिंग जिस यूनिट में कराना चाहते हो उस यूनिट में आपको वो चॉइस पोस्टिंग मिलने के काफ़ी चांस रहते हैं दोस्तों। तो ये आपके पोस्टिंग से संबंधित है दोस्तों। और आप किससे संबंधित वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।